आज कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है। वहीं अमेरिका के बाद कोरोना से ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली देश रहा है। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 20 लाख से अधिक मामले आए हैं। वहीं इस कहर से अब तक 76,688 लोगों की मौत हो चुकी है और मार्च से लेकर अब तक ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 212,151 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। वही विशेषज्ञों का कहना है कि ब्राजील में टेस्ट उस पैमाने पर नहीं हुआ है, नहीं तो मौजूदा संख्या और भी अधिक हो सकती थी। जहां एक तरफ ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण को पहुंचने में कई देशों की तुलना में अधिक समय लगा, यानी यहां संक्रमण के मामले कुछ देर से दिखाई देने शुरू हुए, वहीं ब्राजील का अमेजन क्षेत्र कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित रहा। यहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में ताबूतों की कमी हो सकती है। इसके साथ ही वहां बड़े बड़े कब्रिस्तानों की भी व्यवस्था करनी पड़ रही है, क्योंकि मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने बाद में बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लोगों को घर में रहने का आदेश जारी किया और साथ ही कुछ प्रतिबंध भी लगाए। हालांकि बोल्सोनारो ने कभी भी लॉकडाउन का समर्थन नहीं किया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में या साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी। एक तरफ जहां एस्ट्राजेनेका और सिनोवैक नाम की दो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के वैक्सीन टेस्ट से यह उम्मीद बढ़ी है कि फाइनल फेज के लिए वैक्सीन तैयार है और आने वाले समय में वॉलंटियर पर इसका टेस्ट किया जा सकता है। यह उम्मीद ब्राजील के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।